अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन जो है वो कौन कौन से जो डिपार्टमेंट हैं उसके ओपन हुए हैं और इसमें हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इसका हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ होने वाला है और एडजेंट जो एडमिशन के बारे में सारे के साथ जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया और इसे ओपन करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से हाईलाइट शो होती हैं, उसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एडमिशन फॉर 2022 की जो है नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो रही है। अभी अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम की तो उसके लिए जो है मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एडमिशन है वो PhD के ओपन हुए हैं, MPhil प्रोग्राम्स के हैं, BS प्रोग्राम के हैं मॉर्निंग के, और BS इवनिंग प्रोग्राम के जो एडमिशन है वो ओपन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, सबसे पहले PhD प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2022 है, तो उससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। तो ये हमें PhD करवा रहे हैं, PhD इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, PhD इन इन्वायरमेंटल साइंस है, PhD इन माइक्रोबायोलॉजी, PhD इन प्लांट साइंस, PhD इन फार्मेसी, PhD इन जोलॉजी, PhD इन केमिस्ट्री, PhD कंप्यूटर साइंस, PhD अर्थ साइंस है, PhD इलेक्ट्रॉनिक्स है, PhD मैथमेटिक्स है जी, PhD फिजिक्स, PhD स्टैटिस्टिक्स है, PhD एंथ्रोपोलॉजी है, एंड PhD अमेरिकन स्टडीज़ है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेज है और साइकोलॉजी है। अगर हम बात करें MPhil प्रोग्राम्स की तो इसमें हमारे पास अप्लाई की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2022 है और इसमें हमने बायो केमिस्ट्री भी करा रहे हैं। हम MPhil बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर MPhil है, MPhil माइक्रोबायोलॉजी, MPhil प्लांट साइंसेज है, MPhil फार्मेसी है, MPhil जूलॉजी, MPhil केमिस्ट्री, MPhil कंप्यूटर साइंस, MPhil अर्थ साइंस है, MPhil इलेक्ट्रॉनिक्स है, MPhil मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस, पाक स्टडीज़ है और साइकोलॉजी के साथ हमारे पास सोशियोलॉजी में भी MPhil करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स की तो इसमें हमारे पास जो है अप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो हमारे पास जो 4 अगस्त 2022 है, तो उससे पहले पहले आपने जो है रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में तो आपने जो है 4 अगस्त 2022 से पहले अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो मॉर्निंग प्रोग्राम में BS है वो हमें BS बायोकेमिस्ट्री है, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS प्लांट साइंसेज है, BS फार्मडी है, BS जूलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर साइंस, BS अर्थ साइंस, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS एंथ्रोपोलॉजी है, BS डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, BS इकोनॉमिक्स, BS हिस्ट्री, BS हमारे पास जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BS पार्क स्टडीज़ है, BS साइकोलॉजी है, BS सोशियोलॉजी, BS सोशल वर्क है, BS आर्कियोलॉजी है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, BS इंग्लिश, BS इंटरनेशनल रिलेशंस है, BS पॉलिटिकल साइंस है और LLB प्रोग्राम है। और हमारे पास जो BS इवनिंग प्रोग्राम्स हैं इसमें हमारे पास अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2022 है। ये हमारे पास जो है प्योरली सेल्फ फाइनेंस बेसिस है, ठीक है, इसमें हम जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, फार्मडी है, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस में नहीं है, और अर्थ साइंस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BS पार्क स्टडीज़ है, BS सोशियोलॉजी, BS टूरिज्म मैनेजमेंट है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, BS इंग्लिश है, ठीक है, LLB इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो डिटेल इसकी यहाँ पर दी है कि अप्लीकेंट जो है आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो वेबसाइट का लिंक दी है वो www.qau.edu.pk। आपने चलान फॉर्म के साथ जो है इसमें अप्लाई करना है, चलान फॉर्म जो आप अभी बैंक लिमिटेड या प्रेसिडेंट बैंक लिमिटेड में अप्लाई मतलब पे कर सकते हैं, और आपको जो 2115 रुपये का एक चलान फॉर्म जो है वो पे करना पड़ेगा ब्रांच ऑफ हबीब बैंक में, और 2100 का जो आपको अस्करी बैंक में पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दी बैंक चलान शुड बी अटैच विद दी ऑनलाइन एडमिशन, मतलब आपकी जो सभी डाटा होगी, आपकी शीट होगी, उसके साथ जो है आपका जो ऑनलाइन आपका जो अप्लाई का चलान फॉर्म, उसकी आपने तस्वीर जो है रसीद की तस्वीर आपने अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, स्कैंड और जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो आपकी अप्लीकेशन है उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे बोला कि द यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फाइनेंस असिस्टेंट जो है जो डिजर्विंग पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कैंडिडेट्स जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, लेटरल एंट्री इन जो इनकी फिफ्थ सेमेस्टर में हुई थी या फिर BS प्रोग्राम था उनके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल है। सिंगल ऑर्फन, डबल ऑर्फन स्टूडेंट हु बिलोंग टू दी फ्लग डिप्राइव्ड एरियाज, मतलब जो लोअर एरिया उनकी बात हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए जो है इनके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे एंड पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि
स्टूडेंट एडमिट मतलब जो लोग सेल्फ फाइनेंस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो जो है जो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के लिए वो लोग इसमें मतलब पहल नहीं है, उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट की कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या कुछ है, तो जो फीस स्ट्रक्चर हमारे पास इसका सभी के सभी प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर आपको इसी एक पे से मिल जाता है। जैसे हमारे पास जो एडमिशन फी है वो 13,810 रुपये है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट साइंस है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, फार्म डी एलएलबी प्रोग्राम जो है उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एडमिशन फी 13,810 है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी आपकी 5,500 है, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी रिफंडेबल आपकी 6,000 बनती है, टोटल आपकी 25,310 रुपये बनती है, ठीक है, ये रेगुलर की है। और ये सेल्फ फाइनेंस वालों की आपकी 25,650 बनेगी, बाकी ट्यूशन फी आपकी 30,570 जो है रेगुलर वालों की, और सेल्फ फाइनेंस वालों की हमारे पास जो 71,660 रुपये, ठीक है। इस तरह जो सभी प्रोग्राम की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको उसी एक पे से मिल जाता है। बाकी जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास बीएस आ जाता है, बीएस सेमेस्टर के रेगुलर सेल्फ फाइनेंस के, तो उनका फीस स्ट्रक्चर जो है आपको इस पे से आप चेक कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो फीस स्ट्रक्चर है आपको इसी पे से मिल जाएगा, ठीक है, वो आपने सिंपली डॉलर में कन्वर्ट कर देना है उसको। और अब अगर हम बात करें हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास इसका जो पोर्टल है वो लगा हुआ है, देखिए हमारे पास यहाँ पे लेटर एंट्री इन बीएसएफ सेमेस्टर फॉर बीएस प्रोग्राम, इसके हमारे पास एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन नोटिस क्लिक हियर टू व्यू, हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास जो है बीएसएफ सेमेस्टर वाला जो है वही शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने अप्लाई नहीं करना। और जो बैचलर प्रोग्राम की जो एडमिशन अभी आपको मैंने डेट बताई है, इसकी जो एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, ये एक या दो दिन तक आपके सामने जो इसका एडमिशन वाला पोर्टल है ओपन हो जाएगा और उसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।